क्या आप भी वेस्ट लिए अप्लाई करना चाहते हो पीआर की एप्लीकेशन के लिए बट आपको पता नहीं है कि प्रोसेस कैसे करनी है कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं फीस कितनी रहेगी और टाइमलाइन कितनी रहेगी फिक्र करने की कोई बात नहीं है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता जाऊंगा और साथ ही मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि कैसे आपको सारी चीजें करनी है सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो अगर आपने वेस्ट वर्ड फ़र्स्ट टाइम सुना है तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि वेस्ट एक्चुअली में है क्या सो so वेस्ट का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज़ जो बेसिकली आपका करते हैं ई अब आप बोलोगे ई क्या है तो ई का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट तो अगर आपने कैनेडा के बाहर किसी कंट्री में पढ़ाई करी है तो वो बैचलर्स डिग्री है पीएचडी है या मास्टर्स डिग्री है उसको इवेल्यूएट करना कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो बेसिकली ये लोग काम करते हैं और जब कभी भी आप पी के लिए फाइल रखोगे तब आपको वेस्ट की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी अब चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आगे की चीजें वहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से तो वेस्ट के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे और टाइप करना है वेस्ट कैनेडा और जो भी जो फर्स्ट लिंक आएगी उसको ओपन करना है आपको अब जैसे ही आप ओपन करोगे आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रीड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे सारी चीजें करनी है हम जाते हैं यहाँ पे मेन जो ऑप्शन है गेट स्टार्टेड वहां पे तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको पूछ रहे हैं कि आप कनाडा के लिए करा रहे हो या यूएस के लिए तो ज़्यादातर हमारी ऑडियंस कनाडा की है तो कैनेडा सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आया है कि तीन टाइप की एप्लीकेशन ये लोग करता है वेस्ट स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ई एप्लीकेशन फॉर आई एंड ई एप्लीकेशन फॉर एग्री फूड पायलट हम वहाँ बीच वाली करनी है आई वाली पी के लिए तो उसको करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ लॉग इन कर रहे हो तो आपको आपका ईमेल एड्रेस पूछेंगे और उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिससे आप साइन इन कर पाओगे सो तो यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ और फिर लॉग इन करके आपको दिखा तो so, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो वेरीफिकेशन हो चुका है अब जाते हैं कंटिन्यू के ऊपर अब यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करनी है तो ये वाला एग्जाम्पल में जैसे मैं वैसे मेरी सारी डिटेल डालूंगा और ऐसे इमेजिन करते कि मैं अपना कर रहा हूँ बैचलर्स का इवेल्यूएसन सो फर्स्ट नेम प्रेम मिडल नेम डालते इधर आपका फैमिली नेम डालना है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है कि आपका लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कैसे चीज़ें करनी है और पॉसिबल हो तो पासपोर्ट के हिसाब से डालो अपना जो आईडी है उसके हिसाब से क्योंकि तो आई आई आप जब भी पीआर के लिए अप्लाई करोगे तब तो मेन आपका पासपोर्ट ही होता है तो उसके हिसाब से डालो और आपका अगर लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आपको पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ तो हमारी है फर्स्ट जुलाई कैनेडा डे हर साल छुट्टी के दिन ही आती बर्थडे सबसे बढ़िया चीज़ ये है 1998 उसके बाद आपको पूछ रहा है आपके पास वेस्ट रेफरेंस नंबर है तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो अभी जस्ट साइन अप कराए तो आपके पास नहीं है तो नो उसके बाद पासवर्ड डालना है पासवर्ड कुछ भी आप सेट कर सकते हो सिक्योरिटी क्वेश्चन फेवरेट मूवी अभी लिखते थे जैसे वॉर सपोज लाइक टू सब्सक्राइब टू न्यूज़ रिलेटर ये आपके ऊपर है मैं नहीं करता कभी भी क्योंकि खाम खा मेल्स में आते जाते हैं मेल्स इन लोगों के अब यहाँ पे करते हैं क्रिएट अकाउंट सो अब आपका अकाउंट बन चुका है आपने जितनी डिटेल दी थी उसके ऊपर अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और रिपोर्ट रिसिप्ट सो आगे से चालू करते हैं सबसे पहले से यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स चाहिए थी वो फिलअप कर लिए अब जाते हैं नेक्स्ट पे उसके बाद आपको पूछ रहे वॉट कैडेंशियल हैव यू अर्न और यहाँ पे ऐसी चीज है कि आपको अपना जो हाईएस्ट एजुकेशन लेवल है उसका ही सिर्फ एवेल्यूशन कराना है तो इन लोगों ने लिखा हुआ इफ़ यू हैव डॉक्टर पी एच डी डिग्री यू डोंट नीड टू डू इट फॉर बैचलर्स और मास्टर्स इफ़ यू मास्टर्स यू डोंट नीड टू डू फॉर बैचलर्स एंड इफ़ यू हैव बैचलर्स देन यू डोंट नीड टू डू फॉर सेकेंडरी स्कूल या टेंथ ट्वेल्थ का वो कराने की जरूरत नहीं है so, तो सबसे हाइएस्ट लेवल की जो डिग्री है उसका कराना है बट एक्सेप्शन में एक चीज़ यह है कि आप अगर इंडिया में आपकी मास्टर्स डिग्री थी तो आपको बैचलर्स का भी कराना पड़ता है वो आगे आएगी ऑटोमेटिक चीज़ तब आपको एक्सप्लेन करूँगा सब जाते हैं यहाँ पे एड क्रेडेंशियल्स में और सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पढ़ाई करी हुई है इंडिया से टाइप ऑफ़ एजुकेशन बी करी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन डालेंगे विच ऑफ दिस अप्लाई बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम नेम ऑफ इंस्टीट्यूट सो so, मेरे कॉलेज का नाम मेरे को नहीं डालना है जैसे मेरी कॉलेज का नाम था एल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो अहमदाबाद में है बट मेरे को यहाँ पे डालना है गुजरात यूनिवर्सिटी क्योंकि वो मेन आता था तो जी करके एक चीज़ आएगी यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट कर लिया उसके बाद पूछ रहे नेम ऑफ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तो वो डालना है आपने क्या करा था तो हमने करा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे ओवरऑल डालना है सिर्फ बैचलर ऑफ उस इंजीनियरिंग उसके बाद में बताता हूँ मेकेनिकल कहाँ डालना है फर्स्ट नेम मिडल नेम आपको डालना है तो लास्ट नेम चौहान मिडल नेम भी डाल ही देते हैं उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी तो यहाँ पे मेरे को लिखना है मेकेनिकल इंजीनियरिंग या सिर्फ मैकेनिकल ईयर अवार्डेड टू थाउजेंड नाइनटीन यर अटेंडेंट तो सपोज सिक्सटीन से नाइनटीन में कराए तो वो उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेना है तो ये ऐड हो चुका है आपका रिकॉर्ड कि किस चीज़ का आपको इवेल्यूशन या एसेसमेंट कराना है वो ऑलरेडी सेव है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें है आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अब हम जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट में आपको एड्रेस ऐड add करने के लिए बोल रहा है कि अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए इस रिपोर्ट की तो आपका एड्रेस कौन सा वाला पे चाहिए अब मेरे को चाहिए कनाडा में सपोज तो कनाडा का मैं कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे तो जैसे ये एक रैंडम एड्रेस डाल दिया अब डिलीवरी मेथड पूछ रहा है तो एक है स्टैंडर्ड या कनाडा पोस्ट और दूसरी है नेक्स्ट डे कनाडा तो जल्दी कोई होगी नहीं आपको आराम से आने दो ग्यारह डॉलर में पंद्रह डॉलर और डौल लगा के कोई मतलब नहीं और आजकल इनका प्रोसेसिंग टाइम मैं बाद में बताऊंगा मेरे को कितने दिन में मिला तो आपको ज़रूरत तो एक दिन में तो डेफिनेटली नहीं पड़ेगी उसको करते सेव तो ये एड्रेस सेव हो चुका है जहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी और उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग योर रिपोर्ट जो आई आर सी सी यहाँ पर ऑलरेडी है बाई डिफ़ॉल्ट इन लोगों के क्राइटेरिया में कि ये रिपोर्ट जो है वो आई आर सी सी के पास जाएगी जाएगी सो so, हमें और, और कोई तो चाहिए नहीं तो और कोई ऐड नहीं करना है उसके बाद जाना है नेक्स्ट के ऊपर अब नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम बता रहे है कि थर्टी फाइव डेज आफ्टर रिसीव रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स पेमेंट्स इन फुल बट जो मेरे केस में जो सिचुएशन बनी थी मेरे को हार्डी बारह से पंद्रह बिजनेस डेज लगे और मेरे को मेरा जो फाइनल रिपोर्ट था वो मेल में अभी जस्ट दो दिन पहले आया है तो उतना टाइम मैक्सिमम मे लोग अभी हाल ही के डेट में बता रहे हैं बट हो सकता है जल्दी हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एज वेल उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं कि आपको ऑनलाइन मिलेगी आई को भेज रहे हैं ऑफिशियल पेपर रिपोर्ट मिलेगी और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है यहाँ पर प्राइस है वो है टू कैनेडियन डॉलर उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर तो यहाँ पे पूछे रिक्वायर डॉक्यूमेंट चेकलेट्स फॉर प्रेम चौहान और अगर हम स्क्रोल करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है दी हुई है आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो बट उसमें एक पॉइंट ये यहाँ पे मैंने जो बताया था वो मेंशन करा हुआ है कि इफ़ यू हैव एन इंडियन मास्टर्स डिग्री और एन इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यू मस्ट आल्सो प्रोवाइड योर बैचलर्स डिग्री डॉक्यूमेंट्स वेस कैन नॉट कम्प्लीट एन एवेलूएशन विदाउट दिस डॉक्यूमेंट्स और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे मास्टर ऑफ एजुकेशन मास्टर ऑफ़ इंजीनियरिंग मास्टर ऑफ फ़िलोसॉफी ये सारे सो so, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं अब नीचे स्क्रोल डाउन करते हैं थोड़ा और तो यहाँ पे इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट है वो है डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले आपको चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट फाइनल और प्रोविजनल वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपने फ़ोन में से या आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ है तो वो अपलोड कर सकते हो आई गेस पीडीएफ नहीं अपलोड होती आप देख लेना फ़ाइल फॉर्मेट कौन सी है मैंने स्कैन करके करा था जहाँ तक मेरे को पता है वहाँ तक तो वो अपलोड करना है और दूसरा आपको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ मार्क यूनिवर्सिटी इश्यूड एंड अटेस्टेड आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी वालों को कॉन्टेक्ट करना है और उनके थ्रू ये जो डॉक्यूमेंट होगा ट्रांसक्रिप्ट का वो वैस के पास जाएगा और वैस उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिरेगी आपका असेसमेंट करने के लिए सो so यानी प्रोसेस में आपको डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं भेजनी आपके कॉलेज के थ्रू जाता है और यहाँ पे ये चीज़ आती है कि आपका कॉलेज कितना अच्छा है और आपका कॉलेज कितना टाइम लेता है ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने के अंदर सो so, यहाँ पे मैंने जैसे जी टी ओ डाला था तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि कैसे मेरे को करना है तो मेरे को यहाँ पे लिंक दिए जो मेरे को डायरेक्ट जी टी ओ की वेबसाइट के ऊपर ले जाती है जो जी टी ओ वाले हैं गुजराती मेरे भाई लोग उनको पता होगा कि ये आपका एनरोलमेंट नंबर जो आई डी होता है और एक पासवर्ड होता है पासवर्ड भूल गए हो तो अपने ई मेल पर आ जाएगा टेंशन लेने वाली बात है नहीं ट्रांसक्रिप्ट के कुछ अराउंड मैंने आई गेस पाँच सौ या सात सौ रुपये पे करे होंगे एक कॉपी प्रिंट कराने के और जब आप ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे जी के पोर्टल के ऊपर तब आपको ऑलरेडी एक ऑप्शन आएगा कि क्या आपको चाहते हो कि आपको ये कॉपी जो है वो वैस को भेजे हम लोग उसको सिर्फ टिक मार्क करना है उसको जैसे टिक मार्क करोगे आपकी सारी चीज़ें डन हो जाएगी आपको पेमेंट करना है वो जो चार सौ पाँच सौ छः सौ जो भी रुपीस है वो और उसके बाद आपको जी का जो काम था वो फिनिश हो जाएगा अब आते हैं मेन यहाँ पे वापस अगर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डायरेक्टली वो जो रिपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर नहीं कर रही वैश को तो फिर यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि आपको एक जो फॉर्म है इन लोगों का वो आपको डाउनलोड करना रहता है सो so वो फॉर्म आपको कॉलेज वालों को देना है अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके और कॉलेज फिर आपको स्टैंप लगा के या तो वो लोग वहाँ पे वेस्ट वालों को भेजेंगे या फिर कॉलेज वाले आपको देंगे और आपको वेस्ट वालों को भेजना है और यहाँ पे नीचे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हाउ टू सेंड योर डॉक्यूमेंट तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है आपको कोई समझ में नहीं आएगी तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है अगर आप फेड एक्स डी या यू से भेजोगे तो कौन से एड्रेस पे भेजना है उसके बाद अगर नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको रिव्यू करने के लिए वापस आ रहा है अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लो वापस से अच्छे से उसके बाद ये सारी चीज़ें फिल आउट कर लो जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में वापस से ये कन्फर्म करने के लिए बोल रहे हैं कुछ चीज़ें कंफर्म कर ली उसके बाद आपको ये सारा जो टोटल पेमेंट जो होगा वो पे बता रहा है थर्टीन परसेंट एच एस टी लगा स्टैंडर्ड डिलीवरी का जो चार्ज लगा था तो टोटल टू एटी थ्री डॉलर का हमारा बिल बन रहा है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो सो so, जब आप एक बार ये सारा पेमेंट वगैरह कर दोगे तब एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा सो so, वो जो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा उसको आप जब एक बार ये वाला वेस्ट वाला पेमेंट कर दोगे फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पोर्टल पे जाओगे तब शायद तक आपको पूछ सकते है कि आपका वेस्ट नंबर क्या है अगर आपको वेस्ट को डॉक्यूमेंट्स भिजवाने तो तो वहां पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा वो नंबर और बस यही है कि आपको वेस्ट वाले जो दो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं अपनी कॉलेज वालों को ट्रांसक्रिप्ट मंगवानी है फीस पे कर देनी है और ये तीन से चार चीजें आप एक बार कर दोगे फिर आपको वेट करना है वो लोग आपको अराउंड दस से पंद्रह बिजनेस डेज के अंदर आपको वापस रिवर्ट बैट आ ही जाता है कि आपका जो स्टेटस था वो अप्रूव हो चुका है और आपका असेसमेंट डन है और फाइनल एक जो लेटर जनरेट होगा जो कुछ इस तरीके का दिखेगा और वही आपका ऑफिशियल जो ई है वेस्ट के थ्रू वो है सो दैट्स एवरीथिंग फॉर टूडेज़ वीडियो बाकी अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट करी है तो और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस है जो मैंने अपलोड करी है कनाडा की लाइफ से रिलेटेड तो उसको भी एक बार देख लेना और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना एंड फिर कभी मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर टिल देन टेक केयर बाय बाय